के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। लोगों ने तो अपनी पत्नी तक को, आप ग्रंथ पटे पड़े हैं ऐसे, सुलसा को अग्नि में सीधा सीधा होम दिया, ये दिखा करके कि इसको होम देने पर ये स्वर्ग में चली जाएगी, और सुलसा को यज्ञ के माध्यम से ऊपर पहुंचा दिया। वो बेचारी तड़पते तड़पते मर गई और उसी के मांस को उठा करके मुंह के अंदर खा करके यज्ञ की आहुति संपन्न कर ली लोगों ने। कितना दुखद होता है जब हम कभी सुनते भी हैं कि इस तरीके का अमानवीय कृत्य मंदिरों के अंदर किया जाता है। लेकिन कई लोगों की ऐसी धारणा है कि इस तरीके से माँ खुश होती है, इस तरीके से देवी को आनंद मिलता है, इस तरीके से हमारे पाप कटते हैं। अरे तुम्हारा ये क्रिया ही किसी के लिए पाप कर्म बन करके उसके लिए आ गया। कितना दुखद था, 600 किलो का भैंसा तुमने बिना किसी विचार को सोचे समझे और सीधे उसके गले पर गर्दन में छुरी चला दी। वो बेचारा भलभला के अंदर का पूरा खून बाहर निकल गया, वातावरण में ऐसा फैल गया, कितना विकृत स्थिति बन गई उस देवी के सामने, और हम अपने आप को धर्मात्मा समझते रहे। इस चीज के विरेचन के लिए आचार्यों ने कलम चलाई, आचार्यों ने, सर्वज्ञों ने जो देखा उसको एक ऐसा भयानक कथानक जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आज मेरा आपके सामने कहने का मन है। उज्जैन की नगरी है बंधुओं, यही आसपास मालवा प्रांत में उज्जैनी नगरी है, जहाँ पर उज्जैनी शब्द बताता है उत्कृष्ट प्रकार के जो जैन रहा करते थे जहाँ पे, उसको उज्जैन कहते थे। जैन, जैनों में भी उत्कृष्ट जैन जहाँ पर समूह में रहा करते थे उसका नाम उज्जैनी पड़ा। उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का शासन चलता था। राजा यशोद मूलतः तो क्षत्रिय थे, वे अपने छात्र कर्म में लगे रहते थे, लेकिन राजा यशोद का लालन पालन जब उनकी प्रारंभिक अवस्था थी, बाल्यावस्था थी, उस बाल्यावस्था में राजा यशोद जो थे वो दिगंबर जैन मुनियों के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। ऐसी एक धारणा बनी है कि ऋषि मुनियों में जो जटाजूट धारी रहते थे उन्हीं का गुरुकुल हुआ करता था, लेकिन आपको पता चले कि जैन शासन में इतने पवित्रतम गुरुकुल रहा करते थे। आज ये जो श्रमण समुदाय आपको दिख रहा है, इन्हीं के पास छोटी उम्र में माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते थे, हमने आपके पास छोड़ा, और गुरुकुलों में बहुत अच्छे उपाध्याय रहा करते थे, बहुत अच्छे शैष ग्लान गण स्कूल संघ साधु मनोज्ञा नाम, अगर आपने ये सूत्र पढ़ा हो उसमें लिखा है वैयावृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के लोग हैं, क्या तपस्वी शैष ग्लान गल गण कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम, कि जो गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे बटुक ब्रह्मचारी रहते थे। उसमें से कुछ बटुक ऐसे रहते थे, छोटे से रहते थे, उनको वो उसी समय वहाँ पे दिगंबर कर देते थे, और दिगंबर ही रूप में वो वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे अपना शिक्षा विद्या इत्यादि अध्ययन करते थे, दया अहिंसा क्षमा और सारे सूत्रों को उपाध्याय के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, चर्या के माध्यम से सीखते थे। 16-16 वर्ष तक साथ में रह करके बटुक ब्रह्मचारी बन करके, और 16 वर्ष की उम्र के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य साधु तपस्वी और उपाध्याय परमेष्टि उसको स्वतंत्र कर देते थे, आपकी मर्जी है, हमने आपको आगम का, समाज का, व्यवहार का सारा ज्ञान सिखा दिया, अब आपको जहाँ जाना है, अगर आपको गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करना है तो इतना कौशल सिखा दिया है कि गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, रतकरणक सावकाचार सिखा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की परिभाषा सिखा दी है, वो भी सिखा दिया, और अगर श्रमण बनना है, साधु बनना है, संसार से अपनी मुक्ति चाहने उच्छेद करना है तो मूलाचार जैसे बड़े बड़े ग्रंथ भी सिखा करके उसको तैयार कर देते थे। उस समय उस श्रावक को दोनों चीज़ें आती थी, सावकाचार भी आता था और मूलाचार भी आता था।
लेकिन आज लोगों ना सावकाचार पढ़ते हैं ना मूलाचार पढ़ते हैं, और उसमें भी श्रावकों का मन तो सावकाचार पढ़ने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता, वो सीधे बोलता है मूलाचार पढ़ा दो। वो भी इसलिए कि कोई महाराज आएंगे तो उनकी हजार गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम मूलाचार तो पता होना चाहिए। सावकाचार कोई पता हो नहीं हो चलेगा, मूलाचार प्रॉपर पता होना चाहिए। परिस्थितियां बहुत बदली, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हमने संवर्धित परिवर्धित पोषित किया और हमारा व्यवहार रहन सहन बदल गया। जो बच्चे पूर्व में बड़े बड़े आचार्यों उपाध्याय मुनियों के साथ में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वे बच्चे स्कूलों में जाने लगे, गुरुकुलों में हट करके सात सब्जेक्ट विज्ञान इत्यादि पढ़ने लगे, स्कूल में रहने लगे, शिक्षा और बदली, माध्यम बदला, विचार बदला, तो वो गुरुकुल मिट करके कॉन्वेंट स्कूल में आने लगे, फिर कॉन्वेंट स्कूल्स का विचार बदला, परिस्थितियाँ बदलीं, तो आज बच्चे जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन में लगे हुए हैं। लेकिन एक टाइम था जब ऑफलाइन डिटैचमेंट के साथ एजुकेशन चलती थी। वे उज्जैनी के राजा राजा यशोध, जिनका बचपन श्रमण समुदाय के बीच में गुजरा, वे साधुओं के बीच में संगति करके अपने आप को संवर्धित परवर्धित और पोषित कर रहे थे। राजा यशोध जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुकुल में जाते ही साथ ही उनका विद्या अध्ययन शुरू हो गया। राजा यशोध को आचार्य ने पहले ही दिन समझा दिया, क्या सर्वप्रथम विद्या के उपार्जन के लिए भोजन के शोधन की आवश्यकता होती है, शुद्ध भोजन के माध्यम से विद्या की पवित्रता बनी रहती है। आचार्य का पहला उपदेश ही भोजन और निद्रा को लेकर के था और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था। आज भी उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि उस समय आचार्यों ने ऐसा कैसे लिखा होगा। कदम चिट्ठे कदम भाषे ज बुंजे ज जम न पावम बच जई, ऐसे शब्द लिख करके उन्होंने उत्तर भी दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे जद भाषे जदम सहे जदम भाषे ज बुझे जे एवं पावम न बच जई, ये सूत्र सबसे पहले सिखाया। जदम भाषे ज बुंजे ज, भोजन ऐसा जो तामसिक ना हो। आज तामसिकता की परिभाषा बहुत बदली हुई है। उस समय आचार्यों ने ब्रह्मचारियों के लिए विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले आलू प्याज और लहसुन इन तीज का त्याग करा दिया। किसी भी श्रमण समुदाय के गुरुकुलों में आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं चलता था। उसके पीछे का कारण था, कारण क्या था कि आलू प्याज और लहसुन जो हैं ये दोनों बॉडी में जाने के बाद बारूद के जैसे इफेक्ट करते हैं। आप सामान्य से कोई दाल देखिए बंधुओं, आपको खाने में जिसमें दाल उबली है, उबली दाल में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल गिर गाय का शुद्ध घी डाला है, आपको वो खाने में अच्छी नहीं लगती। और उसी प्याज में, उसी में अगर आप प्याज का लहसुन का थोड़ा सा तड़का मार दें, थोड़ा सा हींग का तड़का मार दें और तड़का मार करके अच्छी खुशबू आए, उसके बाद आप सिर्फ एक अकेली दाल से 10-10 5-5 पराठे खा सकते हैं। वो प्याज और लहसुन पेट के अंदर जाने के बाद बारूद का काम करती है। आदमी की वासना, आदमी की निद्रा और आदमी का क्रोध सबसे ज़्यादा कोई भड़काती है तो प्याज और लहसुन भड़काती है। और आप देख लीजिए जितने भी गंदे पदार्थ दुनिया में पकाए जाते हैं उन सब का बेस में लहसुन का पेस्ट मिला होता है, प्याज का पेस्ट मिला होता है, हींग मिली होती है, जिसके माध्यम से वे उत्तेजना प्रदान करने वाले शरीर के उस पोषण को प्रदान करते थे। और उस उत्तेजित आलू और प्याज को लहसुन को खाने पर विद्यार्थी का दिमाग मंदा पड़ जाता था, क्योंकि वासना भड़क गई, अंदर क्रोध भड़क गया, अंदर किसी भी प्रकार की कसाय भड़क गई। अब वो खाने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक थी, घर के अंदर असंभव था। पिता ने सीधे सीधे गुरुकुल में भेज दिया, वहाँ जाओ, वहाँ पे आचार्य जैसा कहेंगे वैसा करना। अब राजा यशोध तो थे क्षत्रिय, लेकिन श्रमण समुदाय के बीच में लालन पालन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आलू प्याज और लहसुन का निषेध करा दिया। आलू प्याज के, प्याज और लहसुन के बारे में एक और बहुत बड़ी जानकारी, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, जो लोगों के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है या फिर जिनके वीर और सत्व में किसी भी प्रकार के परमाणुओं की कमी रहती है, वे लोग जैसे ही प्याज और आलू का या फिर लहसुन का सेवन करते हैं बंधुओं,
आप आश्चर्य मानेंगे कि उनकी नपुंसकता और तेजी से बढ़ने लगती है। ये अभी नया नया बिल्कुल शोध आया है कि जो प्याज और लहसुन खाने वाले लोग हैं, इनके अंदर अगर ये शुरुआत से इनके स्पर्म की काउंटिंग की संख्या कम है और ये रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, तो वो अंदर में जाने वाला द्रव्य और उससे वेपोराइज होने वाली जो गैसेज हैं वो आदमी के अंदर की नपुंसकता को भी और बढ़ाती है। और शायद यही एक ऐसा कारण सामने भी दिखाई देता है कि आजकल हर गली मोहल्ले में एक टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेबी पैदा करने वाले सेंटर और क्लिनिक्स सबसे ज़्यादा खुलने लगे हैं। और आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि सारे आलू प्याज जितने भी हैं ये अब हाइब्रिड में आने लगे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसको एक ऐसा, उसके जेनेटिक सिंड्रोम को ऐसा बदल दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा कल्चर करके कंटेंट पैदा कर दिया गया है कि छोटी सी प्याज भी बहुत तीखी लगती है और कई बार बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, लेकिन अंदर जा करके वो जो भोजन विकार पैदा करता है, उस विकारित भोजन से दूर रहने के लिए आचार्य ने पहले दिन ही उपदेश दे दिया, पहले दिन ही बता दिया अच्छे विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के साथ साथ अपनी निद्रा और अपने भोजन में कंट्रोल करना आवश्यक है। यशोद, हाँ महाराज, आचार्य आप जैसी आज्ञा दें। अब आचार्य भी जानते थे कि ये राजा यशबंधर का पुत्र है, यशबंधुर का पुत्र है और राजा है, आगे चल के ये राजा भी बन सकता है, आगे चल के मुनि भी बन सकता है, उसकी जैसी भवितव्यता होगी। यशोद को इतना प्रेम से समझाया आचार्य ने कि यशोद, जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे तब तक प्याज लहसुन और जितने भी अत्यधिक गंधित पदार्थ हैं इनका भक्षण आश्रम में नहीं मिलेगा। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसा। और उसी समय आलू प्याज और लहसुन का त्याग वहीं पर करा करके बुद्धि के तंतु को खोलने का काम कर दिया। आपका ये जो ब्रेन है ना बंधु, आपने देखा होगा लेफ्ट एंड राइट दो प्रकार का दो ब्रेन होता है, इसमें से एक ब्रेन पूरा का पूरा थ्योरिकल होता है और एक पूरा का पूरा ब्रेन प्रैक्टिकल होता है। कभी आप कभी भी कोई भी MBBS MD या DM करने वाले जो टेक्नोलॉजिशियंस रहते हैं उनसे आप इस बात को बहुत अच्छे से पूछेगा, आपको पता चलेगा कि स्कूलों में हम जो कोर्सेज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को अपडेट करता रहता है। यहाँ पे थ्योरी 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 खूब जा रही है, लेकिन थ्योरी थ्योरी जाने से एक स्पॉट तो पूरा बढ़ जाएगा लेकिन लेफ्ट ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। तो लेफ्ट ब्रेन भी काम करे, ये भी एक्टिव बना रहे, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए, जिसको आप प्रायोगिक कहते हैं। उस प्रायोगिक को किए बिना राइट और लेफ्ट का ब्रेन का लेवल बराबर नहीं बनता। MBBS करने वाले, MD करने वाले इस बात को, जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जितना पढ़ा है वो राइट में जा रहा है लेकिन जितना प्रयोग में आना है उसके लिए हमको लेफ्ट ब्रेन को जब चार्ज करना पड़ता है तो लेफ्ट ब्रेन को बंद करने का काम करता है ये प्याज और लहसुन। ये बुद्धि की मंदता को सबसे पहले हावी कर देता है, आपके शरीर में प्रमाद लाता है, आप उत्तेजनात्मक दाल भोजन या फिर कोई भी चीज़, चाहे आपने आलू दम खाया हो, चाहे फिर आपने शाही पनीर में मिलाया हो, चाहे आप किसी सब्जी में मिलाया हो, आलू बैंगन भट्टा की सब्जी प्याज लहसुन के साथ खाई हो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विद्यार्थी लोग अगर प्याज लहसुन छोड़ देते हैं तो उनकी विद्या अध्ययन करने की कैपेसिटी 10 times ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे का कोई भी धार्मिक रिलीजन मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, वास्तव में जो लोग बार बार फेलियर्स होते चले जा रहे हैं अच्छे गुरु की सन्निधि के बाद भी, उसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है खान पान, कि उन्होंने अपने खान पान को सुदर्शित और व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, हम इसको भूल जाते हैं। और फिर आचार्य ने उनको समझाया, यशोद भोजन तो साफ सुथरा करना ही है, यह तो प्राथमिक आवश्यकता है कि वातावरण में इस तरह की कोई गंध भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन साथ ही साथ निद्रा पर भी संयम प्राप्त करना है। यशोद छोटा सा बालक 7 वर्ष का, वो आचार्य के सामने हाथ जोड़ करके बैठा, गुरुदेव आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ तो यशोद, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद जो लोग ज़्यादा सोते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की
6.5 घंटे से ज़्यादा की नींद होती है, मतलब रात को 10 बजे सोए हैं और अगर वो सुबह 4 बजे से ज़्यादा टाइम तक जगते उठते उसके बाद उठते हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो ज्ञान तंतु धीरे धीरे विकसित होता है। आपने पुस्तक लेकर के पढ़ना शुरू किया, उस शब्द के माध्यम से ब्रेन के अंदर एक भाव अर्थ जा रहा है, एक बाउंडिंग बन रही है बुक्स की और आपकी, आपकी आंखों की, आपकी थ्योरी की, आपके मन की। वो बॉन्डिंग जैसे बनती जाती है तो धीरे धीरे जैसे एक ककून के लिए कोई रेशम का कीड़ा तार खड़ा करता है, ऐसे बहुत सारे तार उस शब्द के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर खड़े होने लगते हैं। एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स के और हमारे दिमाग के बीच में। जब ज़्यादा सोने पर यह बॉन्डिंग जो पैक हो जाती है, ये धीरे 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 करके टूट जाती है। ज़्यादा सोने वाले बच्चे अपने आप मंद बुद्धि होना शुरू हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की जरूरत पड़ती है कि हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट कर लें कि एक अच्छे विद्यार्थी को अधिकतम 7 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई फिजिकल रिएक्शन, कोई डिसीज है या कोई और प्रॉब्लम है तो 7 घंटे की, लेकिन 8 घंटे की तो नींद चाहिए ही नहीं। योगियों को 4 घंटे की, भोगी को 6 घंटे की, रोगी को 10 घंटे की, जितनी भी बार वो सोता रहे उतना अच्छा है, कि जितने भी सारे रोग हैं इनका उपशमन काल और वृद्धि काल रात्रि ही होता है। शुरुआत में से थोड़ी सी डिसीज दिख रही है, रात में सोकर के देखा तो एकदम से पूरे शरीर में चित्ते 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 आ गए। सोते सोते रोग का प्रकोपन काल भी बढ़ता है और रोग का शमन काल भी सोते सोते बढ़ता है, कि रात में यहाँ पे घाव था, सवेरे देखा तो एक यहाँ पे पपड़ी आ गई। उजाले में देखते तो कभी नहीं बनती, सोते सोते बन गई। तो बॉडी का एक अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को सबसे पहले राजा यशोद को, जो यशोद छोटा सा बालक था, उसको वहाँ पर आचार्य ने बताया कि यशोद इस तरीके से भोजन को सुरक्षित रख के और निद्रा को सुरक्षित रख करके ही यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए अपने मानस को तैयार करना है। और वे क्षत्रिय होकर के यशोद जो है महाराज आचार्य परमेष्टि के सामने बैठ करके विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो गए। विद्या अध्ययन तैयार करते, धीरे धीरे विद्या अध्ययन कराते कराते आचार्यों के माध्यम से ऐसे सद्गुण भर दिए गए कि संसार में रह कर के भी संसार में रहने वाला संसार से ऊपर रहने की कला को सीख गया। आज पूरे स्कूलों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, हिंदी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर के मैं दो पढ़ा देते हूँ, लेकिन किसी भी विषय में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता। अध्यात्म आज स्कूलों में, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, कहीं पर भी आध्यात्म की शिक्षा नहीं होती। लेकिन पहले आचार्यों के पास जाने पर आदमी को अध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, उसको कर्म कौशल पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन, कर्म का कौशल, पाप पुण्य का उदय, ये सब चीज़ें स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। अध्यात्म की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्षत्रियों को पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि जब क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए जब किसी भी मैदान में, रण क्षेत्र में जाकर के हार जाता था, तो हारने के बाद वो डिप्रेशन जोन में न चला जाए, इसलिए उसको अध्यात्म सिखाया जाता था कि देखो उतार चढ़ाव, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आना जाना लगा रहता है। इस लगे आने जाने लगे रहने में तुम कभी अपने शरीर के साथ खेद करके और कुछ अपघात मत कर लेना, इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में जो सरस्वती या भगवती की देवी स्थापित की जाती थी, उसके पीछे भी एक कारण था कि यहाँ पर वो जाकर के जब सरस्वती के उस रूप का दर्शन करेगा तो अपने आप को कुछ आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया, तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपो डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर, मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर, छत्तीसगढ़।